दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक सिटी ईडर सिटी के बारे में। मैं आज की वीडियो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप टेल एंड तक देखेंगे। क्या आप जानते हैं ईडर सिटी के बारे में? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को टेल एंड तक वॉच करिए। ये देश का अगला गुड़गांव होने वाला है। आपको बता दें इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। ईडर सिटी में वर्ल्ड की 100 से ज्यादा जायंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड की 30% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले ईडा में होने वाला है। ईडा सिटी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड है, और साथ ही भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि क्यों ईडा सिटी को फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जा रहा है, क्यों यहाँ पे वर्ल्ड की जायंट कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या इन सब के पीछे रीजन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि ईडा सिटी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बसाया जा रहा है। ये नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बसाया गया, और ग्रेटर नोएडा के बाद तीसरा शहर ईडर सिटी की स्थापना किया जा रहा है। आपको बता दें ये ग्रेटर नोएडा से जेवर के बीच में 96 विलेज को लेकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की स्थापना किया जा रहा है। चलिए समझते हैं क्यों ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है। देखिए, आज गुड़गांव सिटी में वर्ल्ड की जायंट कंपनियों के हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ यहाँ पे लॉजिस्टिक हब, आईटी पार्क का बहुत बड़ा सेक्टर, और 1000 से ज़्यादा वर्ल्ड की जायंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्लांट आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के साथ आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगी। तो ये सब भी आपको गुड़गांव में ही क्यों, दूसरे शहर में क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों, इसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर वन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के पास गुड़गांव था, जहां पर जमीन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी। सेकंड रीजन ये है कि गुड़गांव जहां पर था वहां से ही दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे होकर गुजरता है। तो दिल्ली में जगह की शॉर्टेज होने की वजह से गुड़गांव इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट लोकेशन था। ये था रीजन। यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो 20 मिनट की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करने में चली जाएगी। तो ईडा एक शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म होता है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे कुछ लोग यमुना सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे कुछ लोग यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। आपको ये भी बता दें, ईडा सिटी 25,000 हेक्टेयर में बनाई जा रही है। इसका अर्बन जो एरिया है 25,000 हेक्टेयर। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर ईडा सिटी के बारे में। ईडा सिटी बिजनेस का बहुत ही बड़ा हब होगा। आपको बता दें यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके साथ ही बहुत सारे फूड के सेक्टर्स आपको यहाँ पे इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। और ईडा सिटी में 200 एकड़ में टेक्सटाइल सिटी बनाई जा रही है। टेक्सटाइल का बहुत ही बड़ा हब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का 70% गारमेंट इंडस्ट्री आपको ईडा में होने वाला है। इसके लिए अपैरल पार्क बनेगा, और ईडा के सेक्टर 29 में 300 एकड़ में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बिजनेस हब बनाया जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में अगर आपको छोटा बिजनेस करना है या फिर करना है आपको बड़ा बिजनेस, तो ईडा सिटी, यमुना सिटी आपको बेस्ट लोकेशन होने वाला है। आपको बता दें यहाँ पे अपैरल पार्क तो आ ही रहा है, उसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट पार्क भी आपको मिलेगा, एक्सपो मार्ट भी आपको मिलेगा ईडा में, लॉजिस्टिक का बहुत ही बड़ा वेंचर आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे फेडेक्स का वेयरहाउस, फेडेक्स का लॉजिस्टिक हब प्रपोज्ड है। ईडा में आपको फूड पार्क भी बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। फूड सेक्टर में ऑलरेडी पतंजलि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पार्क फूड सेक्टर में पतंजलि के थ्रू ईडा सिटी में लगाया जा रहा है, हरिद्वार के बाद। जैसा कि अभी आपको बता दें कि हरिद्वार में सबसे बड़ा पतंजलि का प्लांट है। यमुना सिटी, ईडा सिटी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनाई जाएगी। इस फील्ड में आपको बता दें ओप्पो का प्लांट ऑपरेशनल है, ओप्पो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनल है। इसके साथ नोएडा में सैमसंग का प्लांट 81 सेक्टर में ऑपरेशनल है। इसके साथ ही ईडा सिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वीवो का प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, साथ ही लावा इंटेक्स प्रपोज्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और भी यहाँ पे छोटी से बड़ी कंपनियां प्रपोज्ड है। अगर डीप में जाऊंगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी। यहाँ पे आपका नाइट सफारी भी प्रपोज्ड है, जो कि इंडिया में एकमात्र होगा और दुनिया का तीसरा या चौथा होने वाला है। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जीवन में प्रपोज्ड है, वो भी ईडा सिटी के अंतर्गत ही आने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी ईडा को ही बनाया गया है।
इसके साथ आपको ये भी बता दें, ईडा सिटी में ट्रांसपोर्ट नगर भी प्रपोज्ड है। दोस्तों ईडा सिटी यमुना सिटी के सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 29, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 ये इंडस्ट्रियल के लिए रिजर्व किए गए हैं। 17A और 22D रेसिडेंशियल के लिए और साथ ही कुछ परसेंट कॉमर्शियल के लिए रिजर्व किए गए हैं। यमुना सिटी का सेक्टर 18 और सेक्टर 20, जैसे कि नोएडा का सेक्टर 18 है कॉमर्शियल का बहुत ही बड़ा हब है, वैसे ही आपका ईडा का सेक्टर 18 भी कॉमर्शियल का बहुत ही बड़ा हब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऑफिस स्पेस के साथ एंटरटेनमेंट जोन भी इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20। अब बात करते हैं सेक्टर 19, 22 एंड 25। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कि 50% रेसिडेंशियल और 50% कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व किए गए हैं। ईडा सिटी में भी एंटरटेनमेंट सिटी प्रपोज्ड है, जैसे कि आपका नोएडा के सेक्टर 18 में एंटरटेनमेंट सिटी है, उसी तरह से आपको फ्यूचर में ईडा सिटी में भी एंटरटेनमेंट हब देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो आपको बता दें ईडा सिटी जिस लोकेशन पे है एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यमुना सिटी, ईडा सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पे ही प्रपोज्ड है पूरी सिटी, तो यमुना एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट ईडा सिटी ही है। साथ ही ईडा सिटी से ही होकर गुजरती है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसके थ्रू आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, अलवर, गुड़गांव, मानेसर, बहादुरगढ़ और दिल्ली के जो भी लोकेशन है आप इजीली पहुंच सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू। दोस्तों ईडा सिटी में मेट्रो भी प्रपोज्ड है जो कि जेवर एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट तक 3 लेन का मेट्रो ट्रैक होगा, जो कि अभी तक पूरे दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है 3 लेन का मेट्रो ट्रैक। आपको बता दें 2 ट्रैक ईडा सिटी के लिए मेट्रो के लिए होगा और 3रा ट्रैक एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के लिए होगा। इस लाइन को फ्यूचर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 2025 तक मेट्रो को कंप्लीट करने का टारगेट है। दोस्तों अब बात करते हैं ईडा सिटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं और वो प्रोजेक्ट जो ऑपरेशनल है, जो बन चुके हैं। इस लिस्ट में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, फॉर्मूला रेसिंग F1 जो कि इंडिया का एकमात्र है, साथ ही क्रिकेट स्टेडियम, ये सभी ईडा सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात की जाए जो ऑपरेशनल हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस लिस्ट में गौड़ यमुना सिटी जो कि 250 एकड़ का एक हाईटेक टाउनशिप है, इस टाउनशिप में वो सभी आपको फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं जो कि एक हाईटेक टाउनशिप में मिलती हैं। आपको बता दें इसमें काफ़ी सारे टावर्स हैं और उनमें 4 BHK वेरिएशन तक आपको फ्लैट मिल जाएंगे। फ्लैट के साथ यहाँ पे विला भी आपको मिलेगा और बंगलो भी आपको मिल जाएगा, इसके साथ प्लॉट भी आपको मिलने वाला है। कॉमर्शियल शॉप्स के लिए भी यहाँ पे आपका गौड़ का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कॉमर्शियल शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा कृष्णा का टेंपल भी आपको इसी टाउनशिप में मिलेगा। इसके साथ ही इसमें आपको लेक भी मिलेगा और प्ले एरिया भी मिलेगा, ग्रीनरी एरिया भी आपको इस टाउनशिप में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है ईडा सिटी के सेक्टर 17A में सुपरटेक अप कंट्री एंड गोल्फ कोर्स के नाम से। ये पूरा 100 एकड़ का टाउनशिप ऑपरेशनल टाउनशिप है, ये पूरी तरीके से हाईटेक एंड स्मार्ट टाउनशिप आपको देखने को मिलेगा, वो सभी कुछ मिलेगा जो कि एक हाईटेक टाउनशिप में आपको देखने को मिलता है। ये टाउनशिप स्पेशली दोस्तों विला के लिए है, अगर आपको बंगलो बनाना है, बंगला आपको लेना है, ये प्रोजेक्ट, ये टाउनशिप काफ़ी बेस्ट आपको मिल जाएगा। ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। गोल्फ कोर्स भी मिलेगा, ग्रीन बेल्ट बहुत ही बड़ा एरिया है, लेक भी आपको मिलेगा और भी बहुत सारी आपको इसमें फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। अगला प्रोजेक्ट है ATS के थ्रू, ATS एलियोर के नाम से। ये भी 100 एकड़ का टाउनशिप है और ये सेक्टर 22D में आपको मिलेगा। इसके साथ ही अजनारा का पैनोरामा टाउनशिप भी आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, क्योंकि अलग अलग बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं जो कि टाउनशिप यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पूरे ईडा सिटी में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है और काफ़ी इस वीडियो को बनाने में समय गया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।